नमस्कार दोस्तों, और आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं सुजुकी इंट्रूडर। इसका आज फुल डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इसका मैं आपको एक लुक दिखा देता हूँ, जिससे आपको इसके डिज़ाइन एलिमेंट्स का आइडिया लग जाएगा। काफ़ी बढ़िया है, सुजुकी इंट्रूडर क्रूज़र बाइक है एक। और इसकी स्टार्टिंग प्राइस की बात करें तो 1,10,000 रुपये है, और ऑन रोड प्राइस धार की 1,12,862 रुपये है। इसका 149 किलो वज़न है। इसके ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें तो 170 mm इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, और काफ़ी बढ़िया इंट्रोडर बाइक है ये। क्रूज़र बाइक में बहुत ही बढ़िया सेगमेंट है ये। इंडिया में दूसरे नंबर पे ये क्रूज़र बाइक है। इसके पहले बजाज एवेंजर है, और ये इसका फ्रंट देख सकते हैं, काफ़ी स्टाइलिश। यहाँ पे लगा सकते हैं आप अपनी की, बहुत ही डिफरेंट जगह दी गई है। और इसका हेडलैम्प्स काफ़ी बढ़िया हेलोजन हेडलैम्प दिया गया है आपको, LED भी दिया गया है छोटा सा नीचे डे एंड नाइट रनिंग लाइट के लिए। ऑटो हेडलैम्प्स का ऑप्शन मिलता है इसमें आपको, काफ़ी बढ़िया है ये। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी शार्प लाइट दी गई है इसमें, और बहुत ही बढ़िया ग्लॉसी फिनिश दी गई है हेडलाइट्स पे। और ये इंडिकेटर, और इसमें यहाँ पे देखेंगे आप तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं फ्रंट में, और ABS की बेजिंग मिल जाती है आपको मड़गार्ड पे। और ये डिस्क ब्रेक ABS के साथ में, ABS यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। और MRF के टायर मिलते हैं आपको, 17 इंच के टायर मिलेंगे, 100 से 17 का फ्रंट टायर मिलेगा, ट्यूबलेस टायर मिलेगा, और अलॉय व्हील्स भी काफ़ी बढ़िया है इसके। और यहाँ पे देख लेते हैं कि लिक्विड कूलिंग का ऑप्शन मिलता है कि नहीं आपको। तो यहाँ पे आपको लिक्विड कूलिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है, 150 cc की बाइक है ये। काफ़ी बढ़िया ग्राफिक्स दिए हैं, क्रोम के साथ में इंट्रोडर लिखा हुआ काफ़ी बढ़िया लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी बढ़िया दिया गया है। और यहाँ पे पैरदान दिया गया है, तो काफ़ी कंफर्टेबल राइड आप इस पे कर सकते हैं। और ये इसका इंजन 154 cc का इंजन है इसमें, जो कि आपको 14.8 PS की पावर देगा 8,000 RPM पे, और 14 NM का टॉर्क देगा 6,000 RPM पे। माइलेज की बात करें तो 44 से 50 का माइलेज इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आप फ्यूल देख, ये ऑयल देख सकते हैं, तो काफ़ी बढ़िया जो इसमें साइड पैनल दिया गया है सुजुकी की ब्रांडिंग के साथ में। किक का ऑप्शन नहीं मिलता है इसको, इसमें सेल्फ का ही ऑप्शन मिलता है। और ये देख सकते हैं आप, ड्यूअल एग्जॉस्ट ड्यूअल बैरल के साथ में ग्लॉसी फिनिश दी गई है इस पर भी, तो काफ़ी अट्रैक्टिव बनाए गए हैं ये भी। और ये साइड पैरदान, और ये साइड का लुक काफ़ी इंट्रेक्टिव है। और ये रियर लुक काफ़ी बढ़िया और शानदार। और ये टेल लाइट्स, LED टेल लाइट्स मिलती है आपको इसमें, और नीचे सुजुकी की ब्रांडिंग मिल जाती है, या फिर ग्लॉसी ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाती है आपको। और ये देखते हैं आप, नंबर प्लेट की लाइट दी गई है, और रियर रिफ्लेक्टर दिया गया है, और यहाँ पे बैक सपोर्ट के लिए दिया गया है, काफ़ी बढ़िया फीचर है। और ये लुक लेफ्ट हैंड साइड का, और यहाँ से आप सीट ओपन कर सकते हैं। और ये हैंडल दिया गया है यहाँ पे, काफ़ी बढ़िया प्रोटेक्शन मिलता है इसको इसमें आपको। और ये रियर डिस्क ब्रेक और अलॉय व्हील्स काफ़ी बढ़िया, MRF के टायर मिलते हैं आपको रियर में भी। काफ़ी बढ़िया फिट एंड फिनिश दी गई है इसमें आपको, और इसमें देखेंगे आप तो चेन ड्राइव सिस्टम मिलता है, काफ़ी हैवी चेन दी गई है इसमें, किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। सुजुकी की ब्रांडिंग मिल जाती है आपको। ये साइड स्टैंड,
यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी गई है एयर प्रेशर वगैरह की। स्विंग आर्म सस्पेंसर मिलता है आपको रियर में, और इंट्रूडर 5 स्क्रू का गेयर बॉक्स मिलता है आपको इसमें। और ये सीट्स कुछ नहीं, काफ़ी बढ़िया दी गई है। और ये टैंक पे भी ग्लॉसी ब्लैक फिनिश दी गई है, यहाँ पे वार्निंग दी गई है। और फ्यूल टैंक ओपन करके देख लेते हैं इसमें क्या क्या मिल जाता है आपको। तो ये देख सकते हैं आप, 11 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है आपको इसमें। इसको बंद कर देते हैं आप। और ये इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल, गाड़ी लग की चाबी लगा देते हैं। ये देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया रेड लाइट के साथ में। आरपीएम मीटर, स्पीडोमीटर, लुक क्लॉक मिल जाती है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, इधर आपको आरपीएम की वार्निंग, एबीएस की वार्निंग मिल जाती है। काफ़ी बढ़िया जो है इंस्ट्रूमेंट पैनल दिया गया है, यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। और ये ऑन ऑफ के लिए स्विच, और ये मिरर, और ये लाइट्स कंट्रोल। काफ़ी बढ़िया पैकेज है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको सुजुकी इंट्रूडर कैसी क्या लगी। और इसकी सीट खोल के देख लेते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है। तो इसके अंदर देखेंगे आप तो यूज़र गाइड, फर्स्ट एड किट और टूल किट मिल जाता है आपको। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे टूल किट दी गई है। तो काफ़ी बढ़िया है सुजुकी इंट्रूडर एक पैकेज क्रूजर बाइक के रूप में। कैसी क्या लगी आपको सुजुकी इंट्रूडर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप अगर इससे खरीदना चाहते हैं तो मुकाती ऑटोमोबाइल्स, इंदौर अहमदाबाद रोड, त्रिमूर्ति नगर धार, यहाँ आइए। इसका मैंने डिटेल्स भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया गया है, तो उससे आप कांटेक्ट कर लें।